हम अपने आसपास में हमेशा एक वर्ड ज़रूर सुनते हैं, वो है खूबसूरत। बट यकीन मानिए, नेचर से ज़्यादा खूबसूरत और कुछ भी नहीं होता है। हम जिस स्टेट में रह रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा होम डेकोर आइडिया। गर्मियों में अक्सर हमारी कड़ाके की धूप पड़ती है और हमारे धूप में हर चीज़ का कलर उड़ ही जाता है, चाहे फिर हम चले जाएं धूप में या फिर हमारे कपड़े या फिर कुछ भी हो, उनका कलर उड़ ही जाता है। मैं कभी भी सीधा कपड़ों को करके धूप में नहीं सुखाती हूँ, मैं इस तरीके से पहले कपड़ों को उल्टा करती हूँ, उसके बाद ही यहाँ पर सुखाती हूँ। कपड़ों के लिए धूप भी ज़रूरी है, बट मैं कभी भी नए कपड़ों को धूप में नहीं सुखाती हूँ। हमें इस तरीके से अपने कपड़ों को कभी भी नहीं निचोड़ना चाहिए, क्योंकि वो इस तरीके से जब हम उन्हें निचोड़ेंगे तो वो लूज पड़ जाएंगे। मैं हमेशा इस तरीके का यूज़ करती हूँ, हमारी मुट्ठी के अंदर उन दोनों को अच्छे से प्रेस करती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है उन्हें यहाँ पे निकाल देती हूँ। उसके बाद इस तरीके से झटकार के आप उन्हें सुखाइए। इस तरीके से जब भी आप अगर आयरन भी नहीं करेंगे तो उसमें रिंकल वगैरह हमारे नहीं आएंगे। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा जो बाथरूम, टॉयलेट, सिंक, वॉश बेसिन वाला एरिया है वो पूरी तरह से ड्राई और हाइजीन मेंटेन रहे, क्यों इन चीज़ों को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और उनका हाइजीन मेंटेन करना भी हमारे ही हाथ में होता है। मैं हमेशा बाद में ही नहाती हूँ, कपड़े सुखाती हूँ और उसके बाद अपने टॉयलेट बाथरूम को अच्छे से यहाँ पे वाइपर की हेल्प से क्लीन कर देती हूँ, ताकि उनमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। हम चाहे हमारे घर के किसी कॉर्नर में जाएं, जहाँ भी हमारी नज़र पड़े और आपको लगता है कि यहाँ ये कॉर्नर हमारा मैशी है, यहाँ पे क्लटर ज़्यादा बन गया है, तो आप उसे तुरंत क्लीन कर दीजिए। आप उसे बाद के लिए मत छोड़िए कि हम चलो बाद में करते हैं, हम 10 मिनट बाद करते हैं। नहीं, हमें उसे तुरंत ही क्लीन कर देना चाहिए। बच्चे भी देखते हैं, कहीं भी कुछ भी चीज़ें रख देते हैं, बट ठीक है, अभी उनके लिए खेलने के लिए आई है वो चीज़ें, तो वो उनसे खेलेंगे ही। अक्सर मेरा बेटा भी थोड़ा सा आजकल करने लगा है कि वो इधर से उधर चीज़ों को रख देता है। अभी उसको जब मैं बोलती हूँ कि चलो रख देते हैं, तो उसे बोलता है कि नहीं मुझे खेलना है, तो खैर वो खेलेंगे ही, बट जब वो सो जाते हैं तो मैं उसे वापस से उसकी जगह पर रख देती हूँ। चाहे वो फिर हमारा घर का कोई भी कॉर्नर हो, जहाँ भी आपको दिखे आप उसे तुरंत ही क्लीन कर दीजिए। हम भी कभी कभी ऐसे पैसे, बिल, कुछ भी अपनी फ्रिज पे ढैप कर देते हैं, इसलिए मैं जब भी फ्रिज को यूज़ करने आती हूँ, अगर मुझे लगता है कि वहाँ पे मैश क्रिएट हो गया है तो मैं उसे भी तुरंत वहाँ पे क्लीन कर देती हूँ। ये आदत अपने अंदर ज़रूर बनाइए, इससे आपका घर हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगा। जब भी हम कपड़ों को, जो भी लॉन्ड्री वाले कपड़े हमारे ड्राई हो गए हैं, उनको लेके आते हैं, तो अक्सर या तो हम इस तरीके से उन्हें डाल देते हैं और वो धीरे धीरे करके इतना इकट्ठा हो जाते हैं, इतना क्लटर क्रिएट कर देते हैं कि हमें फिर उनको फोल्ड करने में, उनको आयरन करने में आलस आने लगता है। मैं कपड़ों को हमेशा उल्टा करके सुखाती हूँ, इसलिए सबसे पहले तो मैं उन्हें सीधा कर लेती हूँ वन बाय वन। ऐसा नहीं है कि आयरन करते टाइम मैं उन्हें वन बाय वन सीधा कर रही हूँ, इससे ज़्यादा टाइम लगता है हमारा और आयरन में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। खैर, मेरे अंदर ये आदत मैंने बना रखी है कि मैं हमेशा जो भी कपड़े मैंने वॉश किए हैं, 1 से 2 दिन के मैं उन्हें तुरंत ही आयरन करके वहाँ पर रख देती हूँ। अगर आप आयरन नहीं कर सकते हैं तो आप उन्हें फोल्ड तो एटलीस्ट ज़रूर करके रखिए। इस तरीके के जो पॉलिएस्टर वाले कपड़े आते हैं, हमें लगता है कि नहीं, हमें उनको आयरन करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट नहीं, ऐसा नहीं है, हमें उन्हें भी आयरन करने की ज़रूरत होती है। बट उन्हें आयरन ऐसे कीजिए कि जब आप सारे कपड़ों को प्रेस कर चुके हो, उसके बाद जो हल्की वार्म आयरन होती है उससे आप उन्हें आयरन कर सकते हैं। इस तरीके के पॉलिएस्टर के कपड़े पर भी आप देखेंगे कि कितने अच्छे से शाइन आ जाती है। मैं हमेशा फ्राइडे या फिर सैटरडे को ही सब्जी लेकर के आती हूँ। उससे पहले मैं अपना फ्रिज ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि मेरे पास क्या क्या सब्जी बची हुई है और इस वीक मुझे क्या क्या सब्जी वहाँ से लेके आनी है, क्योंकि मैं सब्जियों को रिपीट नहीं करती हूँ। एक वीक में मैं दूसरी सब्जी लेके आती हूँ और एक वीक में मैं दूसरी सब्जी लेके आती हूँ। इस तरीके से मैं लिस्ट बना करके ही लाती हूँ। अभी यहाँ पे मैं धनिया, हमेशा साबुत धनिया घर से लेकर के आती हूँ और उसे यहाँ पे पीस के रखती हूँ। मैं मार्केट वाला धनिया कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जितना हो सके मैं ऑर्गेनिक खाने की कोशिश करती हूँ। जो चीज़ें अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग तो मैं वहाँ पे उन्हें ले ही लेती हूँ। जैसे कि जीरा भी मैं घर से लेके आती हूँ और इस तरीके से मैं इन्हें यहाँ पे धूप में थोड़ा सा सुखा दूंगी, क्योंकि जो मेरा पिसा हुआ धनिया था वो अभी ख़त्म हो गया है, तो मैं उसे बाद के लिए नहीं छोड़ूंगी। आज अगर मेरा ख़त्म हुआ है तो मैं आज उसे धूप में सुखाऊंगी और पीस के उसे रख लूंगी। इस तरीके से मैंने धनिया, जीरा और पुदीना को धूप में रख दिया है।
जब भी हम बर्तन धोते हैं तो हम उसे तुरंत ही अपने किचन रैक में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो गीले होते हैं तो हमारे किचन रैक में जंग लग जाता है और हमें उसे बार बार क्लीन करना पड़ेगा, वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा देखिए इस तरीके से, जब भी वो कंप्लीट ड्राई हो जाते हैं जो रात के बर्तन हैं उनको वॉश कर दिए, या फिर दोपहर वाले जो है वो शाम तक हो जाते हैं अच्छे से पूरी तरह से ड्राई, उसके बाद ही मैं उन्हें उनकी जगह पे रखती हूँ। इस तरीके से हमारा थोड़ा टाइम भी बच जाएगा, हमें उन्हें क्लीन नहीं करना पड़ेगा, पोंछना नहीं पड़ेगा और इस तरीके से हमारा किचन रैक भी गंदा नहीं होगा। इसके बाद देखिए बास्केट को भी, अगर आपको लगता है कि गंदी हो गई है तो इस तरीके से मैं अपनी बास्केट को भी तुरंत पूछ के उसे भी कंप्लीट ड्राई कर लेती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो फ्रेंड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।